हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों ने जो है लास्ट के वीडियोस देखे होंगे और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में जो है मैं आपको बताने वाला हूँ एज्योर इवेंट हब्स के बारे में। तो एज्योर इवेंट हब क्या है बेसिकली? सी सिंपल टर्म में ये मैंने माइक्रोसॉफ्ट का डॉक्यूमेंटेशन खोला हुआ है। जैसे कि मैं हर बार आप लोगों को यही बोलता हूँ कि डिटेल में अगर जानना है तो डॉक्यूमेंटेशन में आप पढ़ सकते हो, बट मैं आप लोगों को इतनी इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाए और साथ ही साथ आपका उस पर्टिकुलर सर्विस को लेकर कंसेप्ट भी आपका क्लियर होना चाहिए। अगर आपको कोई इंप्लीमेंट करना है तो आपको पहले कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये सर्विस किस चीज़ के लिए यूज़ होती है। ठीक है, तो चलो इवेंट अब क्या है बेसिकली, ये मैं डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ूंगा बट इसके हिसाब से ही मैं आपको बताऊंगा अपनी सिंपल लैंग्वेज में। इवेंट अब जो है वो आपका एक बिग डेटा स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि कोई भी इवेंट्स अगर आपको प्रोसेस कराने हैं, सेंड कराने हैं एंड रिसीव कराने हैं तो आप इवेंट हब का यूज कर सकते हो। ठीक है, ये जो सर्विस होती है, ये सर्विस आपका जो है मिलियंस यानी कि मिलियंस ऑफ इवेंट्स जो है पर सेकंड प्रोसेस कर सकता है। अगर आपके एनवायरनमेंट में इस तरह का कोई सर्विस है जो मिलियंस ऑफ इवेंट्स जो है जनरेट कर रहा है और आपको उसको प्रोसेस कराना है, तो एज्योर इवेंट हब जो है एक वन ऑफ द बेस्ट सर्विस है जिसके थ्रू आप मिलियंस ऑफ इवेंट्स को जो है पर सेकेंड पर प्रोसेस करा सकते हो। अब इसमें प्रोसेस क्या होता है? इवेंट हब जो होता है वो आपका जो है जैसे लॉग डेटा जो होता है या टेलीमेट्री डेटा होता है या कोई भी टाइप का जो इवेंट्स होता है उसको अगर आपको प्रोसेस कराना है तो आप इवेंट हब यूज कर सकते हो। अब लॉग डेटा, टेलीमेट्री डेटा, ये सब क्या चीज़ है? जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं बताऊं तो आपने देखा होगा, अभी तक प्रैक्टिस किया होगा, तो हर एक रिसोर्स का एक एक्टिविटी लॉग जनरेट होता है। तो एक्टिविटी लॉग क्या, एक टाइप का इवेंट है, उसके अंदर इवेंट जनरेट हो रहा है। इवेंट का मतलब क्या होता है कि एक तरह से एक ऐसा इंफॉर्मेशन, एक ऐसा मैसेज जो ऑलरेडी हो चुका होता है। यानी कि मान लो एग्जांपल के तौर पे कि एक वर्चुअल मशीन है, राइट, अगर मैंने उसका उसको मान लो मैंने शट डाउन कर दिया तो उसका एक्टिविटी लॉग में एक इवेंट जनरेट हो जाएगा कि भाई ये वर्चुअल मशीन जो है शट डाउन हुआ है, यानी कि ये हो चुका है। तो इवेंट का मतलब कोई भी ऐसी चीज जो हो चुकी होती है उसको हम इवेंट कहते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार, मतलब आप में से कुछ लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन होगा कि यार लास्ट में मैंने कुछ वीडियोज पहले मैंने सर्विस बस के बारे में बताया था तो वो भी प्रोसेस करता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसमें कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं। सर्विस बस जो है वो आपकी मैसेजिंग सर्विस है। अब मैसेज क्या है, जैसे कि मैंने उस वीडियो में बता चुका हूं, मैसेज क्या है, एक तरह से आपका रिक्वेस्ट होता है, एक तरह से इंफॉर्मेशन होता है जो कि आपके रॉ डेटा में आपका स्टोर होता है। यानी कि मैसेज जो है उसका रॉ डेटा रहता है और जिसको आप एक जगह से सोर्स से डेस्टिनेशन में आप सेंड करते हो। तो मैसेज क्या, एक सिंपल से इंफॉर्मेशन है कि हाँ भाई ये है। जैसे कि मान लो मैंने किसी को मैसेज दिया व्हाट्सएप में, हाय मैं जो हूँ, मैं कल, टुमारो आई एम गोइंग टू समवेयर, मैं कल कहीं जा रहा हूँ, ये एक मैसेज हो गया सिंपल सा, राइट। इवेंट क्या होता है, कोई चीज़ इंसिडेंट हुआ हो या कुछ हुआ हो उस चीज़ के साथ, तो इवेंट जो है ये चीज़ होता है। तो डिफरेंस यही है मैसेज में कि मैसेज एक रिक्वेस्ट है जो कि आपका रॉ डेटा में होता है टेक्निकल टर्म में, और इवेंट क्या है कि ये एक तरह का ऐसा मैसेज है जो ऑलरेडी हमारे साथ या इस एज्यूर सर्विस के साथ हो चुका होता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया, एज्यूर वर्चुअल मशीन में अगर मान लो मैंने शट डाउन मारा है तो वो एक इवेंट जनरेट करता है कि भाई ये शट डाउन हुआ है, उसका एक इवेंट आईडी रहता है, उसमें पूरा डिटेल में रहता है कि क्या चीज़ शट डाउन हुई, कहां से शट डाउन हुई है, उसका प्रोसेस आईडी है, जो कुछ भी इंफॉर्मेशन रहता है। अगर स्टार्ट किया है मैंने वर्चुअल मशीन या उस वर्चुअल मशीन में कुछ फेलियर है, एक्सेस नहीं हो रहा है, तो उसका एक जनरेट होता है बैकएंड में इवेंट। जैसे कि अगर आपने विंडोज़ के सर्वर्स में काम किया होगा तो आपने देखा होगा कोई भी चीज़ हम एक्टिविटी करते हैं उसमें आपका एक इवेंट सर्विस होती है आपकी, राइट, उसमें विंडोज़ इवेंट्स रहता है जिसमें आपका एडमिनिस्ट्रेटिव इवेंट्स जनरेट होते हैं, आपके सिक्योरिटी इवेंट्स जनरेट होते हैं, आपके सिस्टम इवेंट्स जनरेट होते हैं। तो ये सब इवेंट्स है कि कुछ ना कुछ हो चुका है और उसका लॉग हो चुका है वो, राइट। टेलीमेट्री सर्विस, टेलीमेट्री डेटा क्या होता है, जैसे कि आपकी एप्लीकेशन लेवल पे जो इवेंट्स जनरेट होते हैं, डेवलपर क्या करते हैं जब भी वो एप्लीकेशन बिल्ड करते हैं तो वो अपने कोड में इस तरह से लिखते हैं कि भाई देखो कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट में जो मॉनिटरिंग टूल्स हैं वो कैप्चर नहीं करते हैं, वो ओवरव्यू लेवल पे, सर्विस लेवल पे आपका मॉनिटर करते हैं। लेकिन एप्लीकेशन टीम या डेवलपर क्या करता है, जो डेवलप करता है एप्लीकेशन को, वो अपने उसमें कस्टम जो है कोड डिफाइन करता है ताकि वो कस्टम इवेंट्स जनरेट कर सके कि हाँ भाई ये ऐसा हुआ है, इस एप्लीकेशन ने ये इवेंट जनरेट किया। तो ये एक टाइप का इवेंट होता है। अब हम समझते हैं कि इवेंट जो है क्या होता है। इवेंट तो मैंने बता दिया क्या होता है, अब इवेंट भी ना दो टाइप के होते हैं, ये जस्ट मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये आई थिंक आपको इस डॉक्यूमेंट में नहीं मिलेगा कहीं पर। तो इवेंट जो है दो टाइप के होते हैं, एक आपका होता है डिस्क्रीट इवेंट और एक आपका होता है सीरीज इवेंट्स। तो डिस्क्रीट
डिस्क्रीट इवेंट में क्या होता है, ये टाइप के जो इवेंट्स होते हैं वो एक्शनेबल इवेंट्स रहते हैं, यानी कि डिस्क्रीट टाइप के जो इवेंट्स होते हैं वो आप उसको एज एन एक्शन के तौर पे यूज कर सकते हो। अब डिस्क्रीट इवेंट के लिए जो है अलग से एक सर्विस आती है माइक्रोसॉफ्ट में, जिसे कि हम इवेंट ग्रिड कहते हैं, आप में से हो सकता है कुछ लोगों ने सुना भी हो, उसके बारे में मैं आगे जाके वीडियो बनाऊंगा। बट फिलहाल डिस्क्रीट इवेंट जो है वो इवेंट ग्रिड एक सर्विस है माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर में, जिसमें जो डिस्क्रीट इवेंट्स को सेंड और रिसीव या प्रोसेस करती है। और डिस्क्रीट इवेंट्स का मतलब क्या होता है, इट कैन बी यूज्ड टू स्टार्ट एज एन एक्शन, मतलब कुछ एक्शन करने के लिए आपको यूज करना है। दूसरा टाइप का जो इवेंट होता है वो होता है आपका सीरीज इवेंट। इवेंट हब जो है वो आपका सीरीज इवेंट को यूज कर सकता है, यानी कि सीरीज इवेंट का मतलब क्या होता है कि ये एनालिजेबल होते हैं, जैसे कि मैंने बताया लॉग डेटा, टेलीमेट्री डेटा, या एक्टिविटी लॉग्स हो गए, या एप्लीकेशन लॉग्स हो गए, या आईओटी डिवाइसेस से कोई भी लॉग्स आ रहे हैं जिसको हम एनालिसिस करते हैं। तो सीरीज इवेंट्स का मतलब जो एनालिजेबल होते हैं, जिसको हम सेंड कर रहे हैं एप्लीकेशन इवेंट हब में, और इवेंट हब से रिसीवर जो है रिसीव कर रहा है, एंड देन हम उसको एनालाइज कर रहे हैं, या कोई भी आगे जो एप्लीकेशन है रिसीवर में वो उसको एनालिसिस कर रही है। तो सिंपल सा है, इवेंट हब का मतलब क्या है, एक बिग डेटा स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, रियल टाइम डेटा इंजेक्शन सर्विस है। ये सर्विस जो है पर सेकेंड में मिलियंस ऑफ इवेंट्स को प्रोसेस कर सकती है, और ये सर्विस जो है आपका लॉग डेटा, टेलीमेट्री डेटा, या जो भी टाइप का जो इवेंट्स होते हैं उसको इवेंट हब में सेंड करता है। अब इस इवेंट हब के बारे में थोड़ा सा यहां पर मैं आपको इसका आर्किटेक्चर बताता हूं। इसमें नीचे आते हैं, ये देखो की आर्किटेक्चर कंपोनेंट्स, और ये इसका आर्किटेक्चर है। अब इसमें क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हैं इवेंट प्रोड्यूसर होता है, यानी कि यहां से ये इवेंट्स जाता है कहां पर, आपके एज़्योर इवेंट हब में। और कौन से प्रोटोकॉल यूज होता है वो इवेंट्स को सेंड करने के लिए एज़्योर इवेंट हब में, वो होता है आपका HTTPS, AMQP या काफ्का, ये प्रोटोकॉल्स हो गए। तो इवेंट प्रोड्यूसर मतलब कोई एक एप्लीकेशन है जो इवेंट्स को सेंड कर रही है बाय यूजिंग दिस प्रोटोकॉल, कहां पर, एज़्योर इवेंट हब में। उसके बाद एज़्योर इवेंट हब में भी आपके मल्टीपल पार्टीशंस होते हैं, इन पार्टीशंस के बाद फिर आपका कंज्यूमर ग्रुप होता है, एंड देन इवेंट रिसीवर होता है। तो जो इवेंट रिसीवर होता है वो वाया कंज्यूमर ग्रुप के थ्रू इस इवेंट हब से इवेंट्स को रिसीव करता है। तो ये इसका आर्किटेक्चर डॉक्यूमेंट है। अब इसके की कंपोनेंट्स के बारे में थोड़ा बताता हूं। पहला है आपका इवेंट प्रोड्यूसर। तो इवेंट प्रोड्यूसर, ये जो लेफ्ट वाला सिनेरियो है, ये इवेंट प्रोड्यूसर होता है। इसका मतलब तो ये एक ऐसी एंटिटी है जो आपके डेटा को या इवेंट को सेंड करती है इवेंट हब के ऊपर, यानी कि ये जो इवेंट्स होते हैं ये आपके पब्लिश होते हैं इवेंट हब के ऊपर, कौन से प्रोटोकॉल में, HTTPS, AMQ या AMQP या अपाचे काफ्का, ये प्रोटोकॉल के बेस पर ये इवेंट्स को पब्लिश करती है इवेंट हब में। तो प्रोड्यूसर इज नथिंग बट टू सेंड अ डेटा इनटू इवेंट हब। उसके बाद आता है आपका पार्टीशंस। तो ये जो पार्टीशंस है इवेंट हब में, पार्टीशंस क्रिएट होते हैं। ये जो पार्टीशंस होते हैं वो डेटा को स्प्लिट करने के लिए होते हैं अक्रॉस द इवेंट हब, यानी कि इस इवेंट हब में आप मल्टीपल पार्टीशंस क्रिएट कर सकते हो। अब ये पार्टीशंस क्यों क्रिएट कर सकते हैं, इसका मतलब ये है, पार्टीशंस का मतलब ये है कि बेटर थ्रूपुट मिलने के लिए, जो भी आप डेटा यहाँ से इवेंट प्रोड्यूसर से इवेंट हब में सेंड कर रहे हो उसको वो क्या करता है, मल्टीपल पार्टीशंस में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अब डिस्ट्रीब्यूट करने का रीज़न क्या है, ताकि आपको बेटर थ्रूपुट मिले, और इसका मतलब ये होता है कि आप मैक्सिमम जितना ज़्यादा इवेंट्स भेज सकते हो इवेंट हब में, वो आप इन पार्टीशंस की हेल्प के थ्रू आप इवेंट हब में भेजते हो। तो पार्टीशन का काम यही होता है कि ये जो है डेटा को अक्रॉस द पार्टीशंस में स्प्लिट करता है, ताकि आपको बेटर थ्रूपुट मिले, ताकि आप मैक्सिमम जितना ज़्यादा इवेंट्स हो सकता है आप एज़्योर इवेंट हब में भेज सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका कंज्यूमर ग्रुप। तो कंज्यूमर ग्रुप, अगर यहां पर क्या लिखा है, ए व्यू स्टेट पोजीशन और ऑफसेट ऑफ एंटायर इवेंट हब, मतलब एक एंटायर इवेंट हब का व्यू होता है, स्टेट होता है, पोजीशन होता है या ऑफसेट होता है। सिंपल टर्म में बताऊं, ये तो टेक्निकल टर्म है, अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में बताऊं तो आपने देखा होगा कि लेट्स से अभी आपने सर्विस बस के बारे में पढ़ा, राइट, जो मैंने वीडियोज बनाए थे। सर्विस बस में आपने देखा कि क्यूज रहते हैं, उसमें आपके टॉपिक्स रहते हैं, फिर सब्सक्रिप्शन रहते हैं, उनको जो है ऑथेंटिकेट करने के लिए, उनको कनेक्ट करने के लिए, यानी कि जो रिसीवर रहेगा वो रिसीवर एज़्योर इवेंट हब से कैसे इवेंट्स को रिसीव करेगा, ये जो इवेंट रिसीवर है ये कैसे इवेंट हब से जो इवेंट्स उनको रिसीव करेगा, ऑब्वियसली उसको एक कम्युनिकेशन मेथड के लिए कोई तो गेटवे चाहिए, राइट। तो इवेंट हब में आप कह सकते हो कंज्यूमर ग्रुप एक काइंड ऑफ गेटवे है, कि जो इवेंट रिसीवर होता है वो इस गेटवे के थ्रू घुस के इवेंट हब में जो भी इवेंट्स पड़े रहेंगे उनको रिसीव करेगा। तो कंज्यूमर ग्रुप का मतलब ये सिंपल होता है। उसके बाद आता है आपका इवेंट रिसीवर। इवेंट रिसीवर का मतलब होता है ये एक ऐसी एंटिटी है जो आप इवेंट हब से इवेंट्स को रिसीव करते हो बाय यूजिंग कंज्यूमर ग्रुप।
तो इवेंट रिसीवर का मतलब सिंपल सही है कि इवेंट को रिसीव करना। अब ऐसा भी हो सकता है, देखो मेरे प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में हम लोग इवेंट अब यूज़ कर रहे हैं, तो एक तो हम लोग कर रहे हैं लॉग्स को कैप्चर करने के, जो लॉग्स है जो इवेंट्स हैं उनको कैप्चर करने के लिए, तो हम लोगों ने क्या किया हुआ है कि सारे रिसोर्सेज पे हम लोगों ने एक्टिविटी लॉग इनेबल किया हुआ है। एक्टिविटी में डायग्नोस्टिक सेटिंग्स मैंने बहुत बार बताया है, डायग्नोस्टिक सेटिंग्स में हम लोगों ने जो डायग्नोस्टिक सेटिंग्स में हम लोगों ने जो सर्विस यूज़ कर रहे हैं वो हम लोग इवेंट अब यूज़ कर रहे हैं, यानी कि अब जो भी इवेंट्स होंगे ये वो हमारा जो भी सर्विस है जिस पे हम लोगों ने डायग्नोस्टिक सेटिंग इनेबल की है एज एन इवेंट अब, वो हमारा प्रोड्यूसर हो गया, इवेंट प्रोड्यूसर वो भेज रहा है इवेंट हब्स पे। इवेंट हब के बाद हम लोगों ने एक गेटवे बना रखा है, एक काइंड ऑफ कंज्यूमर ग्रुप बना रखा है, और इवेंट रिसीवर में हम लोगों ने ADX यूज़ किया हुआ है एज ओ डेटा एक्सप्लोरर। तो जो भी हम लोग एनालिसिस करने के लिए, जैसे कि मतलब इवेंट्स क्या होते हैं आपके, ये सीरीज ऑफ इवेंट्स यूज़ करता है, दो टाइप के मैंने इवेंट्स बताए, डिस्क्रीट और सीरीज, तो ये सीरीज ऑफ इवेंट्स को यूज़ कर सकता है जो कि आपके एनालिजेबल होता है। तो हम लोगों ने एनालिसिस के पर्पज से वो सारी सर्विसेज का जो भी लॉग डेटा है उसको भेजना है इवेंट हब में, और इवेंट हब से हम लोग कंज्यूमर ग्रुप के थ्रू प्रोसेस करा रहे आगे ADX में, और ADX क्या हमारा रिसीवर हो गया जहां पर हम लोग इवेंट्स को एनालिसिस करते हैं। तो फ्रेंड्स ये था एज्यूर इवेंट हब के बारे में, आई होप कि आपको बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब इसका प्राइसिंग जो है ऑब्वियसली आप डॉक्यूमेंटेशन में जाके चेक कर सकते हो, ये रीजन वाइज है, ये करेंसी है, इसमें आपके चार टाइप के टीयर्स आते हैं, बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम और डेडिकेटेड। इनका कैपेसिटी क्या है, कैपेसिटी मतलब थ्रूपुट है कि कितना थ्रूपुट आप, इसका प्रोसेसिंग एक तरह से यूनिट हो गया कि कितना थ्रूपुट आपको मिलेगा। इनग्रेस इवेंट्स कितना है, कैप्चर इसमें इनेबल मतलब इसमें अवेलेबल है कि नहीं है, ये ऑप्शन है। अपाचे काफ्का सपोर्टेड है कि नहीं है, स्कीमा रजिस्ट्री अवेलेबल है कि नहीं है, मैक्स रिटेंशन पीरियड कितना है, स्टोरेज रिटेंशन पीरियड कितना, ये सब चीज़ें आपको इस प्राइसिंग एज़ूर इवेंट हब के प्राइसिंग में मिल सकता है। तो दोस्तों ये था एज़ूर इवेंट हब के बारे में, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इसका लैब करके मैं आपको दिखाऊंगा, लैब जो रहेगा ऑब्वियसली आपके एक इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा कि किस तरह से हम लोग एप्लीकेशन में इवेंट हब को यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर नहीं किया तो। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।